स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में नई वीडियो में। आज हम हैं इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे खड़े हैं। ये पीछे था अमर लॉज करके होटल। भाई यहाँ गलती से मत रुक जाना, मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके अच्छे वाले में रुक जाना। हम तो रात को 12 बजे पहुँचे थे तो हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे ले ही लिया था। भाई यहाँ के ना मतलब ऊपर से देखने में सारे रूम सही लगते हैं, पर असली अगर आपको रूम का पता करना है ना, साफ़ है या नहीं, एक बार कम्बल उठा के सूंघ के देख लेना। भाई हमने वो नहीं देखा। और जब हम भाई सोने लगे तो क्या हुआ कि वैसे तो बिना कंबल ओढ़े भी सो सकते हैं, थोड़ी सी सर्दी तो है पर सो सकते हैं, पर क्या हुआ भाई रूम में थे मच्छर। मच्छरों के लिए हमने चला दिया पंखा चला दिया तो भाई फिर कंबल ओढ़ना पड़ गया। और जब कंबल हमने सूंघा भाई बंदा बेहोश हो सकता है उस कंबल को सूंघ के। 1000 रुपये किराया लिया। यहीं पर है भूटान का बॉर्डर, वहाँ है अन्नापूर्णा, इसके साथ में होटल एंड रेस्टोरेंट के साथ में हमने वहाँ खाया था कल, वो वाला नमस्ते भारत रेस्टोरेंट में। भाई उन्होंने मस्त सेवा पानी करी थी हमारी, तो आज भी हम वहीं पे खा लेंगे। चलें भाई संदीप, फिर करेंगे खा पी के बॉर्डर क्रॉस। और भाई भूटान में ना बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं कि क्या MIC माइक है। हाँ, तो आज हम करेंगे भूटान का बॉर्डर क्रॉस। और इसमें क्या है भाई कि भूटान में ना बहुत चेंजेस आ चुके हैं। अब पहले क्या था, कोई भी आओ कोई भी क्रॉस कर जाओ, घूम घाम के अपने हिसाब से आ जाओ, पर अब बहुत चेंजेस आ चुके हैं। गाइड लेना पड़ता है, टैक्सी लेनी पड़ती है, एक अलग से फीस देनी पड़ती है, उस सब की बात हम भूटान क्रॉस करके बताएंगे। अभी खा लेते हैं पहले खाना। भाई अभी संदीप ना सैनिटाइजर लेने चला गया था तो इसको भूटानी नोट वापस दे दिया 5 का। कितने का था सैनिटाइजर? 25। अच्छा 5 भूटानी वापस दे दिया, मतलब इंडिया में भूटान के नोट मिलने लग गए हैं भाई। वैसे नोट तो सही लग रहा है यार ना। बाकी तो इंडियन करेंसी दो थी, 200 का दिया था मैंने, 170 को इंडियन करेंसी। चलो सही है, भूटानी खर्च करेंगे हम वहाँ पे। वैसे इंडियन रुपए चल जाते हैं भूटान में, पर हम भूटानी खर्च करेंगे तो फील आएगा कि भाई फॉरेन में आ रखे हैं, और भाई की तो पहली कंट्री है तो फील तो आना चाहिए। भाई ये आ गया हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, एक तरह से लंच सा ही मान लो, 12 बजने वाले हैं। तो ये रोटी, ये मशरूम मसाला, मस्त खाना बनाते हैं भाई ये लोग। भाई हमारे गाइड साहब और ड्राइवर साहब आ चुके हैं, ये आगे चल रहे हैं हमारे दोनों, इनसे मिलवाता हूँ। अभी तो भीड़ सी चल रही है। वो जो बिल्डिंग है वो भूटान में है, बीच में वो दीवार है वो इंडिया भूटान की दीवार है, और ये इंडिया की मार्केट है। तो संदीप कैसा लग रहा है भाई पहली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग? अबे तू क्या खा के आ गया, माउंट फ्रेश ले दी क्या? अबे यार मैं लेनी भूल गया। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है, ये हम लोग लाइन में नहीं बैठ रहे। अच्छा तो हम हाँ सुबह आओगे तो भाई इतनी लंबी लाइन है, पर हमारे गाइड ने कहा कि लाइन में नहीं लगना हमको, हमारा कुछ अलग प्रोसेस होगा पता नहीं। भाई यहाँ पे अगर आप एक दिन संदीप आ जा तेरा हो चुका, तो भाई यहाँ पे अगर आप एक दिन के लिए आते हो तो यहाँ पे 10 रुपये दे के आपकी एंट्री हो जाएगी, पर आपको रात से पहले वापस जाना होता है। ये चल रहा है भाई, मतलब एक कॉरिडोर सा है इंडिया और भूटान के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट ही भूटान वालों का ही है सारा का सारा। तो हम तो भाई बिल्कुल VIP तरीके से आए हैं, जो मतलब टूरिस्ट है ना उनको मतलब बिल्कुल अलग तरीके से भेज रहे हैं ये लोग, कि मतलब जो लेबर है या फिर जो काम करने आ रहे हैं उनका अलग है, जो टूरिस्ट है उनका बिल्कुल अलग है भाई प्रोसीजर ही सारा। अब हमको ना पासपोर्ट पे स्टैम्प मरवानी है, परमिट लेना है, उस सब का मैं बताता हूँ आपको आगे जाके। भाई यहाँ से आपको मिलेगा जो टूरिस्ट परमिट होता है, अगर आप यहाँ पे गाइड इस टाइम के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आप मतलब वो जनरल एंट्री में जा सकते हो और बस पुंसोलिंग घूम के और शाम को वापस जा सकते हो। तो यहाँ से आपको अपना फॉर्म वगैरह भर के, अपना गाइड दिखा के, यहाँ से जितने भी दिनों का आपको चाहिए यहाँ पेमेंट करनी है। भाई ये निकल गए हम, थैंक यू सो मच, ये पहुँच गए भाई हम ऑफिशियली भूटान में। तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई कोविड के बाद भूटान में क्या चेंजेस हो गए। पहली बात तो आपको अब देना पड़ेगा यहाँ पर नाइट का 1200 रुपीज़ जो है SDF सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, ये आपको पर नाइट के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे कि हम आज 4 तारीख को आए हैं और हम 7 की रात को यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, 7 की रात को हम यहाँ रुक नहीं रहे, पर तो 4 की रात रुकेंगे, 5 की रात और 6 की रात, तो 3 रात रुके तो 3600 रुपये मेरे और 3600 रुपये संदीप के पर नाइट का है वो, तो वो दिया। फिर आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 500 रुपये का इंश्योरेंस, जो आपको बॉर्डर पे आते ही मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं पे कर दो, 500 रुपये का इंश्योरेंस ले लिया। फिर आपको लेना पड़ेगा एक गाइड यहाँ पे जो कि मैंडेटरी है,
और आपको लेना पड़ेगा, कहाँ जाना है हमको? अच्छा और आपको लेना पड़ेगा एक गाड़ी जिसमें आप घूमोगे, और आपको रुकना पड़ेगा एटलीस्ट 3-स्टार होटल में। तो इन सब की बात करेंगे भाई, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक कंपनी के साथ, वो उनसे पूछ लेंगे भाई वो कितना चार्ज करते हैं, क्योंकि मेरे को इनवाइट करा है इन्होंने कि आओ हम आपको भूटान घुमाते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया बता दूंगा कि कितना क्या इन सब का आपका चार्ज पड़ेगा। और हमने यहाँ से ले लिया सिम कार्ड, 250 रुपये की सिम कार्ड पड़ी है जिसमें 1 GB डाटा मिला है, पर हमारे गाइड बता रहे कि मैं कराता हूँ 1200 रुपये का रिचार्ज महीने का और उसमें मिलता है 48 GB डाटा। तो अगर आप डाटा ज़्यादा भी लेते हो ना तो मेरे को नहीं लगता कि इतना महंगा डाटा है। 1200 रुपये मतलब $15 में आपको 50 GB डाटा मिल जाएगा, जो कि बहुत है। तो मेरे फ़ोन में तो जल्दी नहीं आजकल सिम कार्ड, क्योंकि मैंने US से ले लिया है फ़ोन और संदीप के में डाल दी, इससे हॉटस्पॉट लेता रहूँगा। तो ये भूटान का फुनचोलिंग, व्हाट इज़ द सिटी नेम? फिनसिलिंग शहर में है। यहाँ इस शहर में आप घूम सकते हो आके, अगर मतलब एक दिन के लिए आते हो 10 रुपये टिकट लगेगी, और घूम के आपको रात से होने से पहले ही वापस जाना पड़ेगा। अगर आप एक रात यहाँ रुक गए ना तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे फिर पर नाइट के हिसाब से। तो अब ये हमारी गाड़ी है, ये हम डायरेक्टली वी आर गोइंग टू थिम्फू नाउ। ओके एंड कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज जमसो। जमसो एंड आई विल बी योर टूर गाइड फॉर दिस। ओके एंड हु इज द्रोथी? दोजी इज आवर ओनर ऑफ द डिवाइन और द ट्रैवलर्स चेयर। ओके एंड यू आर द टूर गाइड एंड द ड्राइवर? नो और ड्राइवर इज डिफरेंट? यस। ओके तो भाई हम ट्रैवल कर रहे हैं डिवाइन भूटान के साथ, तो मैं द्रोथी जो ओनर हैं इस कंपनी के, तो मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा और उनसे ही मैं आपको बता दूंगा कि मतलब आजकल कितना का खर्चा आ रहा है अगर आप मतलब भूटान में एज ए टूरिस्ट आते हो, इंडिया से आते हो या बाहर से आते हो, जैसे भी आते हो। तो भाई यहाँ पे अपने सारे लोग आ गए हैं, ड्राइवर भाई, गाइड भाई और द्रोथी भाई सब आ गए। तो अब यहाँ से चलते हैं हम सीधा थिम्फू की तरफ। ये है फुनचोलिंग का शहर, यहाँ पे आके आप घूम सकते हो थोड़ा बहुत अगर आपको देखना है कि भूटान कैसा है, पर यहाँ रात को नहीं रुक सकते आप अगर आपने SDF नहीं लिया तो भी। तो भाई यहाँ पे आप 24 आवर्स रुक सकते हो जैसा द्रोथी भाई ने बताया। योर नेम इज द्रोथी राइट? दोरजी। ओके बट यू स्पेल इट डिफरेंट राइट? DORJI। दोरजी। ओके दोरजी भाई ने बताया कि हम 24 घंटे इस शहर में रुक सकते हैं, आप जैसे ही एंटर करोगे ना तो आपके सिस्टम में एंट्री कर लेंगे और जब आप एग्जिट करोगे तो सिस्टम में देखेंगे आपने 24 घंटे से ज़्यादा कर लिया तो आपको 1200 देने होंगे, है ना? हाँ तो ये है। भाई अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा खाना वाना खाने, और भूख सी लग गई पता नहीं कैसे। तो हम आए होंगे अभी तक सिर्फ 70 किलोमीटर आए होंगे, अभी भी 80 किलोमीटर बचा है। तो मैं आया हूँ भाई ये वाला भूटान का जो टूर करने डिवाइन भूटान के साथ, जो दोरजी हैं वो उस कंपनी के मालिक हैं, तो उनके साथ मैं आया हूँ ये टूर करने, क्योंकि अब भूटान में कंपलसरी होगा कि आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, टूर गाइड लेना पड़ेगा, आपको 3-स्टार होटल से कम में आप रुक नहीं सकते हो। तो वो सब मतलब मैंने सोचा फिर इससे अच्छा पैकेज ही ले लेते हैं। तो इन्होंने मेरे को इनवाइट किया, तो इन्होंने मेरे को प्राइसेस बताया अभी। तो भाई भूटान के जो प्राइसेस हैं वो हैं, अगर आप गाइड लेते हो दोरजी से संपर्क करके गाइड लेते हो तो 2500 रुपये के अप्रॉक्स आपको पर डे का गाइड पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आपको एक SUV कार टाइप सी मतलब पड़ेगी 3500 रुपये पर दिन का कार का पड़ेगा आपका, और फिर होटल तो आप कैसा भी ले सकते हो जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो, जो बिना ब्रेकफास्ट के हो, ब्रेकफास्ट और डिनर वाला होटल, तो वो आपका शुरू हो जाएगा 3500 रुपये से, फिर ऊपर तो कितना भी जा सकता है। फिर आपके और खर्चे लंच वगैरह के वो सब आप सोच सकते हो कितना लग जाएगा आपका। दो जनों का मैं बता रहा हूँ ये सारा प्राइस, कि गाड़ी तो एक ही लोगे, गाइड भी एक ही लोगे और होटल भी एक ही लोगे, तो दो जनों का प्राइस बता रहा हूँ। फिर मैंने इनका जो इंस्टाग्राम है और इनका फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके सीधा व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो कि भाई उनको ऐसा ऐसा चाहिए, इतने दिनों के लिए है, और उनसे आप प्राइस की डिस्कशन कर सकते हो। और इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम रुक गए भाई डिवाइन मिडवे फूड एंड लॉन्ज, ऑथेंटिक भूटनीज एंड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल। चलो ठीक है भाई, इंडियन खा लेंगे या फिर देखते हैं भूटनीज। चलें संदीप खाना है, चल
भाई ये है यहाँ का मेन्यू, भुटनीस खाने में ये है, तो नहीं पता क्या होता है ये। फिर हमने मंगाया है वेज थाली, नॉन वेज थाली, राइस हटवा के रोटी। और भाई किसी पूरे मेन्यू में कहीं पे भी रेट नहीं लिख रखा यार, कुछ भी ऑर्डर कर लो कुछ भी रेट नहीं है। ये आ गई भाई अपनी थाली, ये नॉन वेज थाली है, ये वेज थाली है। भाई खाना वाना खा लिया, नॉन वेज थाली, वेज थाली और एक कोक का बिल आया 600 रुपये के करीब। और यहाँ मौसम भाई मस्त हो गया, अब हो गई ठंड ठंड सी, कल तक तो भाई बिल्कुल मतलब गर्मी सी हो रखी थी जयगांव तक, अब सही हो गया ठंड। चलते हैं आगे। भाई भूटान में ना सीट बेल्ट लगानी कंपलसरी नहीं है, ऐसा मेरे को बताया है। ये वैसे रूल मतलब इंडिया में भी है शायद कि ना पहाड़ों पे नहीं लगानी होती सीट बेल्ट, मतलब कुछ होता है कि अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो निकलने में वगैरह दिक्कत होती है, तो यहाँ आप नहीं लगाओगे। पूरे भूटान में सीट बेल्ट लगानी इज नॉट कंपलसरी, राइट? पूरे भूटान में आप बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला सकते हो और मतलब बैठ भी सकते हो, आपका चलान नहीं कटेगा। तो भाई अभी चलते चलते और मेरे हिसाब से 1.5 घंटा हो गया, पता नहीं यार 150 किलोमीटर में इतना टाइम, मेरे को लगा कि 3-3.5 घंटे लगेंगे पर टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो अभी हम कहीं खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नीचे मस्त सी रिवर है, आपको दिखाता हूँ अभी। और मैं तो सो गया था यार अभी गाड़ी में ना आगे, मेरी तो अच्छी नींद लग गई, मतलब ये मान लो कितनी देर सोया हूँ संदीप में, 1 घंटा, 1 घंटा सो गया होऊंगा भाई मैं। अभी जब मैं उठा तो दौरजी भाई किसी इंडियन कस्टमर से बात करने लग रहे थे फ़ोन पे कि इतना प्राइस पड़ेगा उतना प्राइस पड़ेगा। तो आजकल भूटान आना थोड़ा वैसा हो गया है कि भाई सबको पैकेज लेके आना पड़ रहा है, पर यार मतलब शांत है बिल्कुल, ना कोई मतलब हॉर्न की आवाज़ आ रही है ना कुछ, खाली रोड हैं बिल्कुल, मतलब ये है कि सुकून आपको काटने हैं ना 4-5 दिन सुकून से काटने हैं, मतलब बिल्कुल ही दुनिया से अलग हो जाना है तो आप आ सकते हो। हमने सिम भी ऐसी ले ली, वो 250 रुपये का रिचार्ज कराया था, उसमें 1 GB मिलता है, मतलब 250 की सिम फिर 1 GB, वैसे तो 250 के रिचार्ज में शायद आपको 5-10 GB मिल जाएगा, तो वो 1 GB भी ऐसा लिया कि चला ही नहीं रहे हम नेट, पता नहीं कैसी हो गया कि एकदम से चलाने का मन सा ही नहीं कर रहा। मैंने कहा चल वाईफाई चलाएंगे जाके होटल में, तो यार मस्त लग रहा है बिल्कुल। अब आपको दिखाता हूँ नदी, और सारे के सारे ही घर भाई ऐसे आ रहे हैं, जैसे ये घर है ना सारे ही ऐसे आ रहे हैं। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं जो नदी जा रही है, वो जा रही भाई नदी, मस्त लग रही है भाई, बहुत नीचे है पर ये। और अब होने लग गई भाई ठंड। ये जा रहा है भाई पारो की तरफ और ये जा रहा है थिम्फी। तो भाई ये पहुंच गए हम थिम्फू शहर, और अब चलते हैं पहले अपने होटल में। तो ये अपना होटल है, चलते हैं रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को थोड़ा बहुत घूमेंगे, खाना वाना खाएंगे। ये आ गई भाई अपनी वेलकम ड्रिंक, वही चाय है मतलब, ये पीते हैं, रूम में चलते हैं फिर। तो भाई ये है अपना कमरा थिम्फू में, बड़ा ही डिसेंट सा कमरा है, छोटा सा है पर साफ सफाई पूरी, और मतलब कंबलों में से मांस नहीं आ रही जैसे जयगांव में आ रही थी, हालांकि एक्सपेंसिव भी होगा ऑब्वियस सी बात है, मेरे हिसाब से शायद 3,500-4,000 के करीब का तो होगा ही। ये इसका बाथरूम है भाई, बाथरूम भी बिल्कुल मतलब मॉडर्न होटल्स जैसा है। ये है, एक दिन ही रुकना है यहाँ पे, अब 7-9 के बीच में डिनर है, और फिर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा रोड पे भी घूम के आ जाएंगे, तो भी आपको रात का नजारा दिखा दूंगा। बिल्कुल डाउन टाउन थिम्फू में है, होटल ताकसांग करके होटल का नाम है। तो बस यही था, और मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि मैंने अपनी जो वेबसाइट है yatridoctor.in उस पर मैंने 2 ऑप्शन और ऐड कर दिए हैं, कि अगर आपको मतलब वैसे तो देखो भाई सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी वीडियो में दे देता हूँ, जैसे इस वीडियो में दे रहे लग रहा हूँ सब कुछ, मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो में मेरी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं उसके चार्ज करता मैं कभी भी। पर अगर किसी बंदे को फिर भी चाहिए कि भाई मेरे को आपसे बात ही करना है, टूर प्लानिंग में हेल्प चाहिए, या फिर
किसी भी चीज में ट्रेवल से रिलेटेड हेल्प चाहिए, वीजा से रिलेटेड हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए कि भाई मेरे को तो आपसे पर्सनली ही बात करनी है, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन डाला एक वीडियो कॉल का, एक ऑडियो कॉल का। और अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई आप मेरे पूरा आइटनरी प्लान करके दो कि मैं यूरोप जा रहा हूं कि 25 दिन की आइटनरी चाहिए मेरे को, आप बेस्ट आइटनरी प्लान करके दो, तो भाई वो वाला ऑप्शन भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑप्शन क्योंकि मैं अपना पूरा टाइम निकाल के फिर आपसे कॉल करूंगा या फिर आपके लिए प्लान बनाऊंगा। तो अगर किसी को बिल्कुल ही मतलब ऐसा चाहिए कि भाई हाँ मैं ही आपके लिए सब कुछ करके दूं, तो आप वो परचेज कर सकते हो। फिर आपकी मेल पे एक मेल आ जाएगा, उस टाइम पे हम एक वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे। तो अभी बच्चों के साथ चलते हैं खाना खाने, भाई खाना भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत, वैसे तो इतनी भूख है नहीं, और फिर देखते हैं रात का माहौल कैसा क्या थिम्फू का। भाई वो था हमारा होटल, वो जो बड़े वाला है, और ये हम निकल गए होटल से। ये छोटी मोटी मार्केट है भाई भूटान में ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मिनीसो वगैरह सब आ रखा है यहाँ पे, मतलब एप्पल वेप्पल। मेरे को लग रहा था भी मतलब भूटान पीछे चल रहा है, पर नहीं भाई सब कुछ आ गया यहाँ पे। भाई ये देखो यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आ रखी है और सब लोग लाइन लगा के भाई खड़े हैं, अपना आराम से खड़े हैं और कूड़ा फेंकने आ रखे अपने दिनचर्या में से टाइम निकाल के। देखो ये भी आंटी जा रही है अपनी कूड़े वूड़े लेके। अब इंडिया में क्या करेंगे भाई, यहीं फेंक देंगे सारे दुकान वाले, अपना कूड़ा उठाना है उठा लेंगे, नहीं उठा भाई खुद लोग मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम जाके फेंकें, ये बहुत सही है यार। ये देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं लोग। भाई सेम ऐसा कूड़े का ट्रक छोटा हाथी जिसको हम कहते हैं सफेद कलर का छोटा सा आता है, वो मेरे एरिया में भी आता है, रोज सुबह गाने बजाते हुए आता है, हर घर के सामने से निकलता है और सारे घर वाले घर से उतर उतर के उसमें कूड़ा फेंकते रहते हैं। ये सही है यार, मेन मार्केट में काम करो, हर जगह ये कर दो कि लोग खुद आए फेंकने। पर यार इंडिया के लोग ऐसे हैं ना, वो आएंगे ही नहीं खुद, मैं बता रहा हूँ। पर हाँ देख लो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भूटान पूरा साफ है, मैंने देखा है कि भाई गंदगी है यहाँ पे, मतलब इंडिया से तो बहुत ज़्यादा साफ है, पर हाँ इतना नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब यूरोप लेवल का है। पर हाँ आपने देखा भाई कि लोग खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना एरिया साफ करने का। भाई ये देखो यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे जाओगे ना और कोई गाड़ी आ गई तो गाड़ी वाला खुद ही ब्रेक मार देता है यहाँ पे, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। अभी तो भाई खाली पड़ा है शहर, वैसे सही बताऊँ तो यहाँ पे कोई भी भीड़ भीड़ है नहीं अभी। भाई अभी हमने एक इस पे आए थे शॉपिंग मॉल पे, मतलब एक ग्रोसरी टाइप स्टोर था, इसे चिप्स ले लिया, ब्रश ले ली, मतलब पेस्ट ले ली, तेल ले लिया और ये मतलब वैसी नमकीन सी ले ली। भाई मैंने 500 का इंडिया का नोट दिया और इन्होंने भूटान के नोट वापस दे दिए मेरे को। ये 100 का है सबसे, मतलब बड़ा तो इनका शायद 1000 का, ये एक का भी नोट है, मतलब ये एक भूटानीज इज इक्वल टू एक इंडियन ही है। फिर भाई ये 5 का है, ये 20 का है, तो मतलब सब जगह इंडिया के नोट इजीली चलते हैं, बस 2000 का नहीं चलेगा, 500 का हर जगह चलेगा। भाई ये आ गया हमारा ऑर्डर, स्पेगेटी मशरूम सूप, फिर ये मेरी भाई चिकन ग्रेवी और चावल, मैंने रोटी की जगह चावल मंगा लिए तो सारी ख़त्म हो जाएगी चिकन ग्रेवी। संदीप का भी पनीर वनीर भी आना है, बहुत खाता है भाई। तो खाना वाना खा लिया भाई, यहाँ पे होटल में ही खा लिया था हमने, और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में कल, और हम घूमने वाले हैं भूटान में, पुनाखा थिम्फू और पारो, तो देखते कौन से दिन हमको क्या घुमाते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।